तो आप अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, कुछ बताइए हमारे दर्शकों। जैसा मैं एक पैर से विकलांग हूँ तो अभी मैं कुछ करता नहीं हूँ। हाँ मैंने दोस्तों देखा इनका पैर, मैं अभी आप सभी को इनका पैर दिखाता हूँ। भैया आपको दिखा दीजिए, मेरे को तो सच में देख कर ना मतलब अजीब लग रहा है। भैया आप मैं क्या दिखाऊँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो भैया का पैर। वहाँ से आप आए हो यहाँ तक तो मतलब खुद के पैसे दूसरे से उधार लिया हूँ, मतलब दूसरे से उधार लेके आए हो मतलब मिलने के लिए। और दोस्तों उन्हें अपने जीवन यापन के लिए मतलब कोई भी काम नहीं मिलता, कहीं पर भी जाते हैं ना तो उनका मतलब शारीरिक दशा देखकर मतलब जो उनका पैर मतलब विकलांग है वो मतलब पैर से ही ना उनकी वजह से मतलब दोस्तों उन्हें काम पर मतलब नहीं रखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है दोस्तों आप लोग एकदम मस्त होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मुकेश सानी और स्वागत आप सभी का फिर से हमारी एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और भाई लोग आज हमसे एक इतने प्यारे शख्स इतना ज्यादा दूर से हमसे मिलना, मैंने जिसकी कल्पना कभी सपने में भी नहीं की थी, अभी मैं आप सभी को उनसे मिलाता हूँ। ये रहे हो भैया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैंने इनसे अभी तक कुछ भी नहीं पूछा है, हमने सोचा चलिए दोस्तों आप लोगों के सामने इनके बारे में सारा कुछ पूछेंगे। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सत्यवान वर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिला बस्ती से का रहने वाला हूँ। अच्छा भैया आप कितना दूर से आए, आप अपने गांव का या फिर जिस स्टेट में रहते हैं, मतलब गांव तो आप शायद शहर में रहते होंगे ना? नहीं नहीं गांव में, गांव में। तो गांव का नाम बता दीजिए आप। मेरा गांव का नाम है कलवारी, कलवारी से आगे थोड़ा जाएंगे उधर सरजू नदी के पास। अच्छा तो यहां से कितना दूर, लगभग 80 से 90 किलोमीटर आता है। 80 से 90 किलोमीटर यानी कि दोनों का जोड़ लिया 8 × 16 लगभग 150 किलोमीटर। बाप रे, अब इतना दूर से भैया मिलने आए हैं। और भैया की एक मैं किस मुंह से बोलूं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पहली बात तो भैया के बारे में जान लेते हैं सब कुछ इनसे बारे में, उसके बाद मैं आप सभी को इनके बारे में और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप बता दीजिए भैया, आप देखिए आपका एक चैनल है जिस पर आप काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लगभग आप 1.5-2 साल से मेहनत करते हैं जैसा कि आपने बताया है। 1.5 साल हो गए। तो आप किस टाइप की वीडियोस अपलोड करते हैं, देखिए मुझे पता है आप किस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते हैं, आपने मुझे बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी एकदम सही से पता चल सके सारा कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले भैया के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को किस प्रकार के वीडियोस अपलोड करते हैं। पहले मैं ब्लॉग वीडियो अपलोड करता था। अच्छा, फिर जैसे 2-3 महीना करके 50-60 वीडियो होता था तब उसके बाद मैं चैनल और मैंने वीडियो डिलीट कर देता था। अच्छा, क्योंकि वो वायरल नहीं होता था ना। अच्छा मतलब आप लगभग 2 महीना अपने चैनल पर मेहनत करते थे। हाँ। उसके बाद आपके वीडियो में थोड़े बहुत व्यूज आ जाते थे, जैसे लगभग 200-300-400-500 तक, मतलब हाईएस्ट लगभग 500, बहुत मुश्किल से 500 आ जाता था। उसके बाद क्या करते थे आप, चैनल डिलीट कर देते, ईमेल आईडी भी डिलीट कर देते। अच्छा मतलब आपको लगता था कि शायद ये चैनल अच्छा नहीं है तो दूसरा चैनल आप बना लेते, जैसे टेक वाले बताते थे ना कि नया चैनल वायरल हो रहा है। अच्छा मतलब आपने किसी की वीडियो देखी थी, किसी भाई की वीडियो देखी थी जिन्होंने आपको ये बताया था कि अगर आपको चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे दूसरा चैनल क्रिएट करो, उस पर वीडियो बनाओ, मेहनत करो तो आपका चैनल ग्रो हो सकता है। ग्रो हो सकता है। तो उसके बाद आपने कितना चैनल बनाया था, 5-6 चैनल तो हो गया। अच्छा मतलब 5-6 चैनल यानी कि 1 साल तो आपके ऐसे ही चले गए। ऐसे ही चले गए, मतलब आप लगभग 1 साल से ज्यादा तो ऐसे ही बर्बाद चले गए समझ लीजिए आपके। उससे कुछ लाभ नहीं हुआ उसमें। तो अभी आप फिलहाल किस टाइप की वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पर? अभी मैं कहानी वीडियो बनाता हूँ। अच्छा कहानी वीडियो, जैसे मतलब किसी भी टॉपिक पर आपको वॉइस ओवर करना रहता है? हाँ वॉइस ओवर। अच्छा हाँ, कहानी जैसे पढ़ता हूँ कहानी जैसे। हाँ समझ गया मैं आपको। काफी सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पर अवेलेबल, मैंने देखा कहानी वाली वीडियो। तो आप अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, कुछ बताइए हमारे दर्शकों। जैसा मैं एक पैर से विकलांग हूँ तो अभी मैं कुछ करता नहीं हूँ। हाँ मैंने दोस्तों देखा इनका पैर, मैं अभी आप सभी को इनका पैर दिखाता हूँ। भैया आपको दिखा दीजिए, मेरे को तो सच में देख कर ना मतलब अजीब लग रहा है। भैया आप मैं क्या दिखाऊँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो भैया का पैर। मैं सच में दोस्तों मैं इतना करीब से ना जिंदगी में पहली बार किसी भैया का मतलब इस तरह से देखा हूँ, कुछ कसम से दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ। इधर से पेट पूरा निकल गया नीचे है ये, और नीचे दिखा दीजिए आप थोड़ा सा। ये इधर स्टील लगा है। अच्छा मतलब ये लोहा लगा है इधर। बाप रे बाप, मैं सच बता रहा हूँ भैया ना, मैंने कभी भी मतलब इस तरह का मतलब आंखों के सामने सही से नहीं देखा। सच में मैं जब पहली बार आपका ये देखा ना तो मुझे लगा कि बाप रे बाप, इतना दूर से आप मिलने आए हो, 80-90 किलोमीटर दूर से, मतलब अगर ऐसे देखा जाए 8 × 16 तो लगभग 150+ किलोमीटर दूर से आप ऐसे मिलने आए हो। खुद बाइक चला के आए हैं, खुद बाइक चला के आए और अपने जीवन यापन के लिए तो आप शायद कुछ करते भी नहीं हो। खाली अभी वीडियो बनाता हूँ, खाली मेरा वही काम ही मैं वही करता हूँ, लेकिन चलता नहीं मेरा वीडियो। अच्छा तो अभी वैसे आपको दिक्कत भी होगा, जैसे काम मिलने में भी दिक्कत होगा, जैसे ज्यादा चलने में और ऐसा मैं नीचे जैसे आप बैठे हैं वैसे बैठ नहीं सकता हूँ। अच्छा तो आप अगर मतलब आप चलते हो, जैसे मान लो आपको कोई काम मिल जाए, आपको थोड़ा दूर चलना हो, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ चलाना हो, 1 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा। मतलब आपको कोई काम भी मिल जाए तो भी आपको दिक्कत होगा, आप खुद नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी ये सिचुएशन। जैसे अगर कोई पान का दुकान है ना तो ऐसा कुछ रहे तो आदमी मतलब जैसे उसके लिए भर्ती चाहिए। हाँ वो तो पैसे भी नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। अब भैया वहाँ से आप आए हो यहाँ तक तो मतलब खुद के पैसे दूसरे से उधार लिया हूँ, मतलब दूसरे से उधार लेके आए हो मतलब मिलने के लिए।
कसम से भैया आपके चरण का कसम से क्या बोलूं मैं, इतना दूर से मिलने आया हूँ अभी दोस्तों दूसरे के यहाँ से, मतलब पैसे लेकर उधार लेके। सोच सकते हो दोस्तों आप लोग, मतलब क्या बोलूं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। अच्छा आप ये बताओ, आप अपने चैनल पर कितना, मतलब लगभग 5 से 6 बताए हो, आपको याद है एकदम क्लियर कितना वीडियोस बनाए होंगे आप कुल मिला के, चैनल सभी चैनल मिला सब मिला के मुझे लगता है 170 से 180 वीडियो तक हो गया होगा। अच्छा मतलब इतना सारा वीडियोस आपने अपलोड किया है? किया था, डिलीट कर दिया। अच्छा तो मतलब दोस्तों आप लोग सोच सकते हो ये लगभग 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, और अभी दोस्तों इनको ना सच में दोस्तों बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों ऐसे शख्स जो, मतलब आप लोग समझ सकते हो दोस्तों ये कोई काम नहीं कर सकते, इनकी आप मजबूरी समझ सकते हो। और अभी दोस्तों ये वॉइस ओवर करके एक प्यारी प्यारी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे, तो मैं दोस्तों इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इनको ढेर सारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं सच में दोस्तों मैंने कभी भी ऐसे पर्सन, क्या बोलूं दोस्तों मेरे पास वर्ड नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे शख्स भी हमसे कोई मिलने आ सकते हैं। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूं ना, किसी की मतलब जितने भी लोग हमसे मिलना है ना, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इनको सच में सपोर्ट की जरूरत है ना। हालांकि सपोर्ट की जरूरत थी और है उनको, लेकिन मैं इन भैया के बारे में सच में एकदम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि ना इनको सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और भैया यहां पर देखो हम लोगों के लिए आप मिठाइयां वगैरह लाए हैं यहां पर, भाई लोग आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं। आप बैठे रहिए बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहिए। आपने पानी पिया कि नहीं? नहीं नहीं बाबूजी पूछा है। अच्छा पिए हो ना? बाबूजी जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? अच्छा तो आपको कोई दिक्कत वक्त नहीं हुई ना यहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ अजीब लगा मतलब जैसा वीडियो में दिखता है? नहीं नहीं, ये एकदम ऐसा भाई, नहीं आप ऐसा मिलके बहुत खुशी, मिलके भाई बहुत खुशी हुआ। मैं साफ बोल नहीं पा रहा हूँ, जैसे मिला हूँ भाई से तो मैं बहुत साफ बोलता हूँ, लेकिन अपने भाई से मिलके पता नहीं गला मेरा ऐसा, समझ रहा हूँ आपकी बात, कोई साल हो जा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, तो अभी आप वीडियो बनाते होंगे तो कब किस टाइम वीडियो बनाते हैं आप? दिन में क्या करते हैं या फिर रात में क्या, कब वीडियो बनाते हैं आप ये बता दीजिए। रात को जैसे माता पिता मम्मी पापा सब सो जाते हैं तब वीडियो बनाता हूँ। अच्छा उसके बाद सुबह जैसे 7-8-9 बजे तक मैं अपलोड कर देता हूँ। अच्छा और कभी कभी तो बना देता हूँ तो शाम को भी अपलोड कर देता हूँ। अच्छा तो मतलब रात को बनाते होंगे तो दिक्कत भी आती होगी, क्योंकि तेज आवाज में तो बोल नहीं सकते। तेज में बोल नहीं सकते हैं। अच्छा तो आपके घर वाले नहीं कुछ कहते हैं जो आप वीडियो बनाते हो? मतलब उनको भी पता ही नहीं है। अच्छा मतलब आप चोरी छुप बना के 1 साल से दोस्तों 1-1.5 साल से ये चोरी छुप के वीडियो बना रहे हैं, मगर इनको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। अभी दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों अगर आप लोग इन्हें सपोर्ट करोगे तो इनका दोस्तों जीवन यापन अच्छे से चल सकता है। दोस्तों देखो यूट्यूब पर हर किसी का मकसद रहता है कि हम अपने मेहनत और अपने बलबूते के दम पर, दोस्तों देखो हम कभी कभार क्या होता है गांव के लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स बोल देते हैं। अब देखिए हम शुरुआत से ही गांव के लैंग्वेज में पले बढ़े हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ ऐसे शख्स जो भैया आए हैं इतना दूर से 80-90 किलोमीटर से दूर से, ऐसे जो मतलब उधार पैसा लेकर आए, इनको आप सभी के पैर और सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, अगर ऐसे शख्स को हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो मतलब जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा दोस्तों। आप लोग समझ सकते हो, अगर ऐसे शख्स को मैं नहीं सपोर्ट कर पाऊंगा तो मेरे जिंदगी का मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलेगा दोस्तों। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की सच में दोस्तों इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और भी दोस्तों देखो भैया यहाँ पर मिठाई वगैरह लाए, तो हम क्या चाहते हैं ना, हम सभी लोगों के जितने भी लोग यहाँ पर है सभी का मुंह मीठा करा दें। दोस्तों अभी आगे का ब्लॉग जारी रखने के लिए मैं आप सभी से भाई के बारे में बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूं। देखो दोस्तों भाई की हाल ही में शादी हुई लगभग 3 महीने पहले, और दोस्तों उन्हें अपने जीवन यापन के लिए मतलब कोई भी काम नहीं मिलता, कहीं पर भी जाते हैं ना तो उनका मतलब शारीरिक दशा देखकर, मतलब जो उनका पैर मतलब विकलांग है, वो मतलब पैर से ही ना, उनकी वजह से मतलब दोस्तों उन्हें काम पर मतलब नहीं रखते हैं, तो इस वजह से दोस्तों मतलब उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और उनके भाई हैं जिनकी वजह से दोस्तों उनके पास फोन है, और दोस्तों वो हमारे घर पर जब आए थे तो मैं घर पर नहीं था, तो भाई लोग पता वो लगभग 3 घंटा वेट किए मतलब मेरे से मिलने के लिए यार, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और मेरे लिए मतलब ये माफी मांगने जैसा है कि 3 घंटा उन्होंने मेरे लिए वेट किया, तो मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। और दोस्तों वो एक बाइक पर आए थे तो बाइक को चालू करने में भी उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, जैसे मतलब दोस्तों उन्हें चालू करना पड़ता था ना, तो पता हो कैसे चालू करते थे, भाई हाथ से किक मारते हैं, मतलब उनके गाड़ी में वो नहीं है क्या बोलते हैं उसके, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता तो मैं गाड़ी के बारे में ज्यादा जानता भी नहीं, उसके साथ सेलअप बोलते हैं, तो वो भी नहीं उनके गाड़ी में, तो मतलब जो किक मारते हैं ना वो ऐसे हाथ से किक मार रहे थे दोस्तों। और ये सब दोस्तों हमें वीडियो बनाने के बाद पता चला, तो अभी दोस्तों चलते हैं भाई के पास और अभी आगे का सीन आप सभी को दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सबका मुंह मीठा करा दिया, खासकर भैया का मुंह मीठा तो कराना जरूरी था, क्योंकि दोस्तों भैया इतना दूर से जो मिलने आए हैं। और भाई लोग देखो अभी तक हमने आप सभी को ये नहीं बताया कि भैया के चैनल का नाम क्या है, तो भैया आप अपने मुंह से खुद ही बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम दा विकलांग हुआ, और अभी तक आपका कोई वीडियो जैसे वायरल हुआ 10,000 गया था तो भी बहुत चला गया? अच्छा मतलब आपका कोई वीडियो भी अभी तक नहीं वायरल हुआ है? नहीं कोई नहीं। तो दोस्तों देखो ये रहे वो भैया, मतलब आप सभी को मैं क्या बोलूं दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना
सच में दोस्तों एक मतलब ऐसा लगेगा ना कि ब्रोकन हार्ट, दिल टूट जाएगा दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं क्या बोलूँ। अभी दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, भैया के चैनल का नाम है द विकलांग बॉय, जिनके चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो प्लीज भाई लोग आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भैया को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि दोस्तों भैया का 1K की तो फैमिली भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो चलिए भाई लोग अभी देखो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को अगर ये लगे कि भैया को सच में वाकई में सपोर्ट की जरूरत है तो भैया को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए भाई लोग आप लोगों से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय।